पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज योग को ले जाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था उसके कारण से निरंतर रूप से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये जो शिव का धाम है आदि कैलाश शिव धाम, इस धाम में आज योगाभ्यास का यहाँ कार्यक्रम हुआ। मैं यहाँ से आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज योग को ले जाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था उसके कारण से निरंतर रूप से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। और ये जो शिव का धाम है आदि कैलाश शिव धाम, इस धाम में आज योगाभ्यास का यहाँ कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से ये बहुत हमारा सीमांत क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस क्षेत्र में आए थे और वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर आकर, इतने सीमांत क्षेत्र पर आकर उन्होंने दर्शन भी किया, यहाँ के लोगों से संवाद भी किया, भेंट वार्ता करी और उसके बाद पूरी देश का, पूरी दुनिया का ध्यान आदि कैलाश पार्वती कुंड गुंजी ऐसे सीमांत क्षेत्रों की ओर गया। और आज उसके कारण से पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और ये क्षेत्र निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक बड़ा स्थल बनने वाला है। लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ने वाला है। इस वर्ष भी काफ़ी पहले की तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ गई है। मैं यहाँ से आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ।